और भी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल वाले आइकन को प्रेस करें ताकि और भी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों देखिए, बल्लूट गांव के मेन रोड स्थित मारकुंडे होटल के पास में एक इंडियन रॉक पाइथन, तो इसकी सूचना हमने कालंद्री नेहरू युवा मंडल के नटवर सिंह को दी थी। तो नटवर सिंह उर्फ नोटी सिंह उनके साथी के साथ यहाँ पहुँचे और उन्होंने देखिए इस अजगर को रेस्क्यू कर लिया है। अब ये इसको ले जाकर सुरक्षित जंगल में छोड़ेंगे और ये विलुप्त प्रजाति है दोस्तों, यानी अजगर आपको कभी भी कहीं भी दिखे तो आप उसे रेस्क्यू करवाएं, ना कि उसके साथ किसी प्रकार का अत्याचार करें, क्योंकि वन्य जीव भी आप इनसे डरते हैं, ये आपसे डरते हैं। देखिए किस प्रकार से रेस्क्यू कर रहे हैं, ये वेल ट्रेंड रेस्क्यू करते हैं, आप ऐसी गलती ना करें। नमस्कार साथियों, अभी रात को 11:30 बजने के होने को है और हमें सूचना मिली थी लियाकत भाई, यहाँ के हर चेहरे पर उनका नाम है, चर्चित पत्रकार भी है। तो लियाकत भाई से हमें फोन आया था, तो उन्होंने हमें बुलाया था, तो हम आए हैं बलूट के माँ कुंडेश्वर रेस्टोरेंट, तो इसके पास यह झाड़ियों के बीच ये रेड पाइथन अजगर मिला है। तो अजगर ये विलुप्त प्रजाति है और इसे कोई भी मारता है तो 2 साल की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि कोई भी किसी भी प्रकार का युवा साथी इस प्रकार का स्टंट न करे, और ये विलुप्त प्रजाति है, वन्य अधिनियम के क्षेत्र में आता है। तो हम इसे रात को रेस्क्यू कर दिया है, तो आप देख सकते हैं ये है अजगर रेड पाइथन। तो जैसे ही बरसात शुरू होती है, सांप वगैरह अभी आने निकलने शुरू हो जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सूचना हमें देते रहिए। कुछ खाया हुआ है इसने, इसकी इसकी लंबाई कितनी होगी? ये होगा 7-8 फुट तकरीब होगा, 8 फुट के आसपास है ये। तो अपने क्षेत्र में ये पाइथन पाए जाते हैं या? हाँ, ये विलुप्त प्रजाति है, तो इसे हम छोड़ेंगे पहाड़ियों में, और हो सके तो कोई भी युवा साथी इस प्रकार का स्टंट बिल्कुल न करे। वेल ट्रेन है ये, ट्रेन है साथियों, ये इनके पकड़ने का डेली का काम है, तो यही पकड़ते हैं। आप लोग ऐसी गलती ना करें क्योंकि काफ़ी नुकसान हो सकता है आपकी ज़िंदगी को। और एक और निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपको कभी भी कोई भी जहरीला सांप या अन्य कोई बाइटिंग करे तो आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे, ना कि किसी झाड़ फूक वाले के पास पहुँचे, क्योंकि सिर्फ हॉस्पिटल में इसका बचाव है। आप अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।